जाती हैं जिसको एंडोस्कोपी बोलती हैं, बोलते हैं उसके अंदर कहीं भोजन की नली में छाले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर बाद में छाले की वजह से कहीं कहीं से कैंसर के लक्षण नहीं आ गए हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है। दूसरा उसके अंदर जैसे पीएच स्टडी होती है वो 24 घंटे तक की जाती है। तीसरा यदि उसकी वजह से यदि पहले से मरीज को जिसको मोटिलिटी डिसऑर्डर है यदि उसके साथ में ये चीज़ें हैं तो उसमें मेनोमीट्री स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यदि इसके बावजूद यदि सर्जरी की नौबत है और मरीज को कहीं हर्निया जैसी शिकायतें जिसके पेट के अंदर यहाँ पे पेट का जो डायफ्राम होता है वहाँ पे यदि हर्निया की जैसे डायफ्राम की शिकायत है उसको हियाटस हर्निया बोलते हैं, तो इसमें इसोफेगोग्राम जिसके अंदर बेरियम की दवा पिला के उसके छाती के एक्सरे किए जाते हैं। रही बात इसका अपने को डायग्नोसिस होने के बाद में ट्रीटमेंट के अंदर, सामान्यतया ज़्यादातर रोगी जो सामान्य भाषा में लोग एसीटी की दवाई कहते हैं उससे उनको आराम मिल जाता है। ये शरीर के अंदर जो तेजाब बनता है उसको थोड़ा कम करने से लेकर के बिल्कुल स्टॉप करने जैसी प्रक्रिया है, ये मरीज के लक्षणों के आधार पर उसकी मात्रा डिसाइड की जाती है। कुछ लोग इससे राहत मिल जाती है, कुछ लोग इनको राहत नहीं मिलती है, उनका जैसे बाद में टेस्ट करके या उसकी ग्रेडिंग करके उसका ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलाया जाता है। यदि इसके बावजूद भी मरीज को यदि आराम नहीं मिलता है और मरीज चाहता है कि मैं लंबे समय तक दवाई नहीं लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए इसका फंडोप्लेक्शन करके एक सर्जरी होती है। उसके अंदर जो नीचे जो उसका भोजन की पाइप और आमाशय के बीच में जो एक वाल है उसको टाइट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है पानी आता है, तेजाबी पानी ये आना बंद हो जाता है। इसके अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं, ज़्यादातर लोग इससे संतुष्ट हैं और उनको लंबे समय तक जो ये एसीडी की दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं उनसे उनको निजात मिल जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये देखा गया है कि यदि बार बार मरीज के ऊपर तेजाब आने के जैसे इसोफेगस में भोजन की नली में छाले हो जाते हैं और उसमें कैंसर बनने का खतरा जो है, ये फंडोप्लेक्शन के बाद में जो ये एक सर्जरी है इसके बाद में बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए गए। अब इंट्रो, मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र धाकड़ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैत्री वर्ग के अंदर 10 से एक सेवा देता हूँ और सुबह और शाम को मेरे क्लिनिक 85 के तलवंडी कोटा के अंदर ही मैं मरीजों का परामर्श और निदान करता हूँ।